Magneto. Puspa and the flower and Kuntavia. Fire. तो दोस्तों कल रिलीज हुई पैन इंडिया की इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा द राइज ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अपने पहले ही दिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर का टैग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हासिल कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और वेल्ले भी दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को खींचने में कामयाब हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म वेल्ले, तड़ा, पुष्पा और स्पाइडरमैन के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन सभी फिल्मों में आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसका ज्यादा रहा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तड़प एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके लीड में आपको आहान शेट्टी और तारा सुतारिया नजर आई है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है मिलन लोथारिया ने और इस फिल्म को लगभग 30 करोड़ रुपए के बजट से बनाकर तैयार किया गया था। बताते चलिए दोस्तों आपको कि आहान शेट्टी की इस पहली फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 4,95,00,000 रुपए की शानदार ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर ली जो कि 2021 की बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों अच्छे रिव्यूज मिलने की वजह से इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी काफी अच्छी कमाई की और अपना तीसरे दिन भी दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आउटस्टैंडिंग कमाई करने में कामयाब रही। अपने शुरुआती 3 दिनों में यह फिल्म 16 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के अभी तक टोटल की, तो दोस्तों इस फिल्म का अपने पहले हफ्ते का जो कलेक्शन निकल कर आया था वो रहा था 25 करोड़ रुपए का। अपने दूसरे हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए, वहीं अपने तीसरे हफ्ते में दोस्तों ये फिल्म 1 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 3 दिनों में कमा सकती है और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 32 करोड़ से ज्यादा की कमाई अपने शुरुआती 15 दिनों में कर सकती है। दोस्तों बताते चले आपको कि 30 करोड़ इस फिल्म का बजट था, इस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई है। बात की जाए दोस्तों यहां पर आप इस हफ्ते रिलीज हुई हॉलीवुड की बिगी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि स्पाइडरमैन नो वे होम एक सुपर हीरो फिल्म है जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3200 से ज्यादा स्क्रीन्स पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया था। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से बेहतरीन कमाई की है और कमाई है 42 करोड़ रुपए जो कि दोस्तों एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। इस फिल्म ने दोस्तों एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर के कलेक्शंस को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया और 2021 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की और कमाए 25 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें हम लोग यहां पर इस फिल्म के तीसरे दिन की, तो दोस्तों यह फिल्म अपने तीसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई कर रही है और आज भी लगभग 25 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अपने शुरुआती 3 दिनों का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वह लगभग 90 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच चुका होगा। वहीं दोस्तों बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों यह फिल्म अपना वीकेंड खत्म होते होते लगभग 3,500 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो चुकी होगी। बात की जाए दोस्तों अब इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म पुष्पा के 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का इंतजार सिर्फ तेलुगु नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस भी काफी बेसब्री से कर रही थी। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी ओपनिंग ली है कि इस फिल्म ने बॉलीवुड के, हॉलीवुड के और साउथ के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2021 में रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ली है जिसमें हिंदी में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 2 करोड़ रुपए का रहा है। तेलुगु में दोस्तों इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 48 करोड़ रुपए का रहा है। वहीं दोस्तों तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन 55 करोड़ रुपए का हो जाता है। वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन 65 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ दोस्तों अल्लू अर्जुन की यह फिल्म अपने पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। बात की जाए इस फिल्म के दूसरे दिन की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिल रहे काफी अच्छे रिव्यूज की वजह से यह फिल्म अपने दूसरे दिन भी काफी अच्छी कमाई कर रही है और आज का इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग 30 करोड़ रुपए का आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 85 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर सकता है।
सकता है और दो ही दिनों में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म बन सकती है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब वेल्ले की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वेल्ले एक क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसके लीड में आपको करण देवल, अभय देवल और मौनी रॉय नजर आई थी। दोस्तों बताते चले आपको कि वेल्ले को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 800 स्क्रीन पर ही रिलीज किया गया था जिसने कि अपने पहले दिन 70 लाख रुपए की ओपनिंग ली। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म का अपने पहले हफ्ते का जो कलेक्शन आया है वो लगभग 5.5 करोड़ रुपए का रहा। वहीं अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के सामने दोस्तों स्पाइडरमैन और पुष्पा जैसी बड़ी फिल्में आ चुकी है, यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म का अपने दूसरे हफ्ते का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो शुरुआती 2 दिनों का 40 लाख का रहा है। ये फिल्म दोस्तों अपने शुरुआती 9 दिनों में 6 करोड़ रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कर पाई है। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 7.5 करोड़ रुपए का रहा है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। आपको दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आए हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।